नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 34 देशों के मंत्री और राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे। इसी के साथ इसमें भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता एकत्रित होंगे। इंडिया एनर्जी वीक 2023 6-8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पीएम ने इसको लेकर कहा कि वे आज बेंगलुरु जाकर भारत ऊर्जा सप्ताह में भाग लेंगे और बाद में प्रमुख विकास कार्यों का शुभारंभ करने और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए तुमकुरु जाएंगे। बता दें कि ये कार्यक्रम उन चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा, उद्योग, सरकारों और शिक्षा जगत के नेताओं को एक साथ लाएगा जो पर्यावरण को बचाने पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक तेल और गैस सीईओ के साथ एक गोलमेज बातचीत में भाग लेंगे। वे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल भी शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रैली हरित ऊर्जा स्रोतों पर चलने वाले वाहनों की भागीदारी का गवाह बनेगी और हरित ईंधन के लिए जन जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी। पीएम इसी के साथ इंडियन ऑयल की अनबोल्ट अनबॉटल्ड पहल के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च करेंगे। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए इंडियन ऑयल ने रिसाइकल पॉलिएस्टर और कपास से बनी वर्दी को एलपी